मम्मी तो कुत्ते आ रहे हैं। मम्मी दादा चैनल और मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा अगर आप वो बड़े वाले सब्सक्राइब बटन को जल्दी से प्रेस कर दोगे। तो ये मैं हूँ एक साइकिल के स्टोर पर। तो हम ले चुके हैं साइकिल और साइकिल इसके लिए क्या बल। तो अब साइकिल तो घर को जा ही रही थी और साथ ही साथ हम पहुंच गए थे वी मार्ट पर कपड़े लेने। और कपड़े लेने जा रहे हैं और मैं फोटो ना खींचू वीडियो ना बनाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेने भैया अगले गए थे और सबसे पहले मेरी नजर पड़ जाती है इस क्यूट सी फ्रॉक पर। देन आफ्टर टेकिंग द शॉट हमने काउंटर पर बिलिंग कराई फटाफट से एंड देन वी लियो। मम्मी तो कुत्ते आ रहे हैं। मम्मी दादा आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मेरी जो रीसेंट रील है वो कहाँ की लोकेशन की है। एंड दैट इज पायलट बाबा का मंदिर विच इज नैनीताल और भवाली के बीच पर। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं वहाँ जाके वहाँ का व्लॉग भी जरूर डालूंगी। कल खाली गुब्बारा फुलाने को मजा आ रहा है। गुब्बारा फुलाने में कल फुलाएंगे। अरे वो तो मेरे को अभी खाली चस्का लग रहा है। मेरे को फोकस करना है। ये 15 बात करना तो तुम लोग एक बलून तो यहाँ रखे। एंड इस बलून पर हमने छुपाई हुई है भैया को कल सुबह मिलने वाले गिफ्ट की चाबी। एंड यू ऑल बेटर नोस व्हाट्स दैट। और अब बज चुके थे रात के 11:55 और मैं पहुंच चुकी थी किचन पे। बड़ी मुश्किलों से मैंने मम्मी और भैया को सिलवाया था और इस टाइम पर जो रूम से आवाजें आ रही थी पता नहीं किस चीज की। सब कुछ भूल भाल के हम लगाने शुरू करते अपनी कैंडल को केक पर और इस पर जलाते हैं आग जैसे ही हम सभी लोगों के कुछ नहीं। और 12 बजे वाला बॉडी विश लेट्स गो। Happy birthday to you. Happy birthday, God and happy birthday to you. Happy birthday, dear Kosi. सारा केक कटिंग एंड विशेस एंड ऑल के बाद सब लोग सो चुके थे और मैं अकेले अकेले आ गई थी केक। वैसे तो मुझे नहीं पसंद है पर ये वाला अच्छा हो रहा था। ऑल सो गुड नाइट अब मिलेंगे सुबह। गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे कुलीस। इट्स द न्यू मॉर्निंग और आज है भैया का बर्थडे। और सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले हमने जाके उसको ये सरप्राइज दिया जो था बलून के अंदर साइकिल की चाबी जो वो मुझे फोड़ने नहीं दे रहा था। मे बी ही वाज नोइंग अबाउट इट। मेरा टंकी कौन ही दिखाता है। और साइकिल का उद्घाटन होते ही वो ट्रायल के लिए चल दी थी। हाउ इज इट। बहुत बढ़िया बस लगी। हमने मम्मी को बहुत ज्यादा मनाया था कि हम बाहर खाने चलते हैं बट वो नहीं मानी तो हमने बाहर से ही खाना लेके आने का सोचा। तो भैया और दादा चले गए थे बाहर से खाना लेने क्योंकि हमने बहुत टाइम से बाहर का चिकन एंड पनीर वगैरह नहीं खाया हुआ था। और बाहर वाले की वाइब भी अलग होती है वैसे भी। और ये रहा गोगो के हिस्से का केक। अनहैप्पी बर्थडे गोगो को भी।